स्केलर टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और टू जाहिर है यहाँ लाना पड़ेगा एचसीएल के स्टार में कोफिशिएंट, अब टू ला रहे हैं, अब जिंक का एक एटम प्रोडक्ट में एक एटम, सल्फर का एक एटम, इधर भी सल्फर का एक एटम, जबकि हाइड्रोजन के दो जो है इधर दो है, क्लोरीन के दो एटम, इधर भी क्लोरीन के दो एटम, तो ये केमिकल रिएक्शन जो है ये बैलेंस हो चुका है। गैस क्रोमियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, क्रोमियम प्लस HCl गैस क्रोमियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, यहां पर क्रोमियम एक एटम, क्रोमियम एक एटम, हाइड्रोजन एक एटम, इधर हाइड्रोजन के दो एटम, और क्लोरीन एक एटम, इधर क्लोरीन के तीन एटम। तो प्रॉब्लम ये वाली दोनों साइडों का एटम बराबर नहीं है, इसके लिए आप इधर कोई अदर ऐसा सोचें जिससे मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये बैलेंस हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इसे टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको आप टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यूं करने से हाइड्रोजन इक्वल हो गया। अब इधर क्लोरीन तो थ्री है, इनको बैलेंस करने के लिए अगर टू से यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता तो ये क्रोमियम टू हो जाएगा, क्लोरीन सिक्स हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको टू से करना पड़ेगा और रिजल्ट इसका आ गया टू सी आर प्लस सिक्स एच सी एल गिव्स टू सी आर सी एल थ्री प्लस एच टू, और यहाँ पे हमें थ्री से मल्टीप्लाई करना होगा। और अब क्रोमियम के शुरू में दो कोफिशिएंट लाए, HCl के शुरू में सिक्स कोफिशिएंट है और क्रोमियम क्लोराइड के शुरू में टू है, हाइड्रोजन स्टार्ट में थ्री है, और इस तरह से केमिकल रिएक्शन जो ये बैलेंस हो गया। प्लस Fe3O4 gives aluminium oxide plus Fe। अभी तक हमें काफी प्रैक्टिस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की की है, आप ये क्लियर है इसके ऊपर गौर कीजिए ये क्लियर कैसे बैलेंस हो।